नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाजगे और स्वागत है आप सभी का अपने चाहते चैनल पे। तो हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, खास करके प्रोडक्शन में जितने भी इक्विपमेंट्स है, उनके इक्विपमेंट्स का लाइन क्लियरेंस के टाइम पे क्या-क्या चेक पॉइंट्स होना चाहिए, वो इंश्योर करना है, किस तरह से कैसे चेक करना है, और ये सभी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आप पूरा समझ जाओ। अगर बीच में स्किप करोगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके समझ में ना आए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ कॉम्प्रेशन मशीन, फिर बाद में कैप्सूल फिलिंग मशीन है, कोटिंग एरिया है, ग्रैनुलेशन एरिया है। तो ये सभी सेक्शंस में जो जो इक्विपमेंट कवर होते हैं, उनका लाइन क्लियरेंस पे हमको किस तरह से चेक पॉइंट्स चेक करने होते हैं, ये मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, कॉम्प्रेशन एरिया में जिस एरिया का हमको लाइन क्लियरेंस लेना है, वहाँ डेट लिख देनी है, लोकेशन लिख देना है, प्रीवियस प्रोडक्ट कौन सा था उसका नाम लिख देना है, उसका बैच नंबर, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमको लेना है उसका प्रोडक्ट का नाम और उसका बैच नंबर, जो एरिया क्लीनिंग एसओपी है कॉम्प्रेशन की, वो एसओपी नंबर यहाँ आएगी, लाइन क्लियरेंस की एसओपी यहाँ आएगी, कॉम्प्रेशन मशीन का आईडी आएगा और क्लीनिंग एसओपी आ जाएगी। चेक पॉइंट्स में दोस्तों सीरियल नंबर इस लेफ्ट साइड में दिए गए हैं, डिटेल्स ऑफ चेक पॉइंट्स यहाँ दिया गया है, ऑब्जर्वेशन ओके यानी कि सेटिस्फैक्ट्री है, नॉट ओके यानी कि नॉट सेटिस्फैक्ट्री, डन बाय जिस ऑपरेटर ने किया उसका नाम, चेक्ड बाय प्रोडक्शन ऑफिसर और वेरीफाइड बाय क्यूए ऑफिसर। तो दोस्तों, यहाँ जो ये पॉइंट्स है, मैं यहाँ वन बाय वन इक्विपमेंट वाइज ले लेता हूँ। तो अपना स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रेशन मशीन का पहला पॉइंट। चेक एंड इंश्योर द क्लीनिंग ऑफ द डिसमेंटल पार्ट्स, दैट इज अ हॉपर, वाई चूट, आई चूट, फीडर, लोअर पंच गार्ड, अपर पंच गार्ड, डिचार्ज चूट, स्क्रैपर प्लेट, इजेक्शन प्लेट। तो यहाँ दोस्तों अलग अलग पॉइंट है। डिसमेंटल पार्ट्स में हॉपर आ गया, आई चूट वाई चूट जहाँ बिन फिडिंग एरिया होता है उस एरिया में आता है। अगर आपके पास बिन फिडिंग एरिया नहीं है, खाली मशीन के हॉपर्स है, तो ये दोनों पॉइंट आपको दोनों पार्ट्स नहीं आएंगे। फिडर आ गया, लोअर पंच गार्ड आ गया, अपर पंच गार्ड आ गया, डिचार्ज चूट, स्क्रैपर प्लेट, इजेक्शन प्लेट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चेक एंड इंश्योर द क्लीनिंग ऑफ टरेट, जो टरेट है वो प्रॉपरली क्लीन हुआ है कि नहीं है हमको चेक करना है। कैम ट्रैक है, अपर लोअर पंच सेफ्टी रेलिंग ऑफ कॉम्प्रेशन मशीन, जो पंच के सेफ्टी रेलिंग है अपर साइड के और लोअर साइड के, उनको हमको चेक करना है कि प्रॉपर क्लीनिंग हुआ है या नहीं हुआ है। चेक एंड इंश्योर द क्लीनिंग ऑफ डाइज एंड पंचेस, जो जिस प्रोडक्ट में हमको डाइज और पंचेस लगने वाले हैं उनको भी आपको चेक करना है, विजुअली चेक करना है कि वो प्रॉपरली क्लीन है या नहीं है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, चेक एंड इंश्योर द क्लीनिंग ऑफ द बिन फिडिंग चूट, बिन फिडर चूट, तो जो बिन है उसका उसका फीडर चूट आपको चेक करना है, क्लीन प्रॉपरली है या नहीं है, उसका क्लीनलीनेस चेक करना है। चेक एंड इंश्योर द क्लीनिंग ऑफ द अपर सरफेस ऑफ कॉम्प्रेशन मशीन, जो मशीन होता है उसका टॉप साइड आपको चेक करना है। चेक एंड इंश्योर द क्लीनिंग ऑफ लोअर पार्ट्स लाइक एसएस गार्ड, इनर साइड ऑफ लोअर मशीन, जो मशीन का मोटर पार्ट होता है जहां वायरिंग होती है, वो भी आपको गार्ड खोल के चेक करना होता है प्रॉपरली। वहाँ कोई भी प्रीवियस प्रोडक्ट की टैबलेट, प्रीवियस प्रोडक्ट का पाउडर, प्रीवियस प्रोडक्ट का ट्रेसेस वहाँ नहीं होने चाहिए। चेक एंड इंश्योर द क्लीनिंग ऑफ एरिया सराउंडिंग ऑफ द इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और पैनल, जो भी इक्विपमेंट है, जो मशीन है, उसके सराउंडिंग में जो भी एरिया रहेगा वो क्लीन होना चाहिए, इक्विपमेंट क्लीन होनी चाहिए, वायरिंग होना चाहिए, उसका पैनल क्लीन होना चाहिए। चेक एंड इंश्योर द क्लीनिंग ऑफ द टूल किट एंड बीओपी टेप, नट्स, बोल्ट्स एंड डैमेज एसेसरीज शुड नॉट बी केप्ट इनसाइड द एरिया और
इनसाइड द टूल किट। जो टूल बॉक्स होता है उसमें आपको कोई भी डैमेज पार्ट्स, लूज पार्ट्स, अनवांटेड पार्ट्स उसमें रखना नहीं है। टेप तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नट बोल्ट्स नहीं होने चाहिए, ये सभी हमको ध्यान रखना है लाइन क्लियरेंस लेते समय। क्यूए को बुलाने से पहले हमको खुद डॉक्यूमेंट्स भर के खुद एरिया पहले चेक करना है। डॉक्यूमेंट्स भरना मतलब दोस्तों हम वो चीज़ वहाँ साइन कर दिया, इसका मीनिंग ये होता है कि इट इंडिकेट्स दैट यू डन एंड यू चेक्ड बाय दिस। तो सभी हमको पहले चेक करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स भरना है, तब जाके हम खुद वेरीफाई करने के बाद क्यूए को वेरीफाई करने के लिए बुलाना है। तो ये थे सभी कॉम्प्रेशन के चेक पॉइंट्स, कॉम्प्रेशन मशीन के किस तरह से जो लाइन क्लियरेंस के टाइम पे हमको मशीन के चेक पॉइंट्स क्लीन कर जो हुए है कि नहीं है वो वेरीफाई करना है। ये था कॉम्प्रेशन मशीन के सभी चेक पॉइंट्स। दूसरा मशीन है मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर कॉम्प्रेशन मशीन में इसी तरह से उसका मेटल डिटेक्टर का इक्विपमेंट आईडी, उसकी क्लीनिंग एसओपी यहाँ आएगी। चेक पॉइंट्स है उसका फीडिंग चूट, डिचार्ज चूट, इनर और आउटर सरफेस, फिर बाद में सराउंडिंग जो भी उसका इक्विपमेंट का रहेगा, उसका वायरिंग पैनल, इलेक्ट्रिक पैनल, वो सभी आपको चेक करने हैं। यहाँ ओके लिख देना है, अगर नॉट ओके लिख दिया तो आप लाइन क्लियरेंस नहीं ले सकते। तो चेक होने चाहिए, अगर आपको कोई पाउडर या ट्रेसेस मिलते हैं तो उसको क्लीन करवा के लेना है, तभी जाके भरना है। फिर डन बाय में ऑपरेटर का नाम आएगा, चेक्ड बाय में प्रोडक्शन ऑफिसर, और वेरीफाई करेगा आईपी क्यूए ऑफिसर। तीसरा इक्विपमेंट है दोस्तों वाइब्रो डीडस्टर, यानी कि डीडस्टर, उसका इक्विपमेंट आईडी, क्लीनिंग एसओपी। चेक पॉइंट्स है उसका स्पायरल हेलिक्स जो एसएस का होता है जिससे टैबलेट पास होती है, क्लैंपिंग रॉड असेंबली, डस्ट कलेक्शन पॉट जो प्लास्टिक की बोतल होती है या एसएस का कलेक्शन पॉट बनाया जाता है वो, इनर और आउटर सरफेस ऑफ द इक्विपमेंट जो इनसाइड और बाहर से दोनों साइड से आपको चेक करना है कि भाई प्रॉपर क्लीन हुआ है या नहीं है। फिर सराउंडिंग ऑफ द इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और पैनल, जैसे ओके लिखोगे तो सेटिस्फैक्ट्री है, नॉट ओके लिखोगे तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री है, और एनए लिखना है जहां वो पॉइंट आपको अप्लीकेबल नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, कैप्सूल फिलिंग मशीन। कैप्सूल फिलिंग में पॉइंट्स है दोस्तों टैंपिंग पिन है, बॉडी कैप बोश, डोसिंग डिस्क एंड रेक्टिफायर फिंगर। ठीक है, ये जो पार्ट्स है डिसमेंटल पार्ट्स उसको उनका आपको क्लीनलीनेस प्रॉपर तरीके से चेक करना है। फिर बाद में आता है अपर पार्ट्स यानी कि मिनी कैप्सूल सॉर्टिंग ड्रम, वाइब्रेटिंग प्लेट, सॉर्टर एलिवेटर, ये सभी जो पार्ट्स है वो आपको चेक करने हैं। फिर आता है कैप्सूल का पॉलिशिंग ब्रश, ECS असेंबली, एमटी कैप्सूल सॉर्टर असेंबली, ADU यानी कि होता है एयर डिस्प्लेसमेंट यूनिट असेंबली, FCE असेंबली होता है फील्ड कैप्सूल एलिवेटर असेंबली। फिर बाद में मशीन के लोअर पार्ट्स आ गए, SS गार्ड आ गया, ये सभी पार्ट्स आपको प्रॉपरली क्लीन है कि नहीं है चेक करना होता है जब भी आप लाइन क्लियरेंस लेते हो नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए। फिर बाद में जो इक्विपमेंट का सराउंडिंग एरिया है, इलेक्ट्रिकल पैनल है, वायरिंग है, ये आपको चेक करना है। ये कॉमन पॉइंट है छठवा, जो आपके एरिया में अनवांटेड डिसमेंटल डैमेज एक्सेसरीज टूल बॉक्स में नहीं होने चाहिए, नट्स नहीं होना चाहिए, बोल्ट्स नहीं होना चाहिए, टेप नहीं होना चाहिए, ये सभी आपको चेक करना है। इनसे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट में जाने के चांसेस है, मिक्सअप होने का चांसेस है, तो इसलिए आपको ये सभी चीज़ें जो है, टेप है, नट बोल्ट्स है, एक्सेसरीज है, ये वहाँ उस एरिया में रखने से मना है, आपको अवॉइड करना है। अगर रख ही रहे हो तो क्लीन कंडीशन में टूल बॉक्स जो होता है उसको लॉक करके लॉक एंड की में आपको उस एरिया में रख सकते हो, अगर ऐसा प्रोविजन आपके पास है तो, नहीं तो कोई भी चीज़ आपको उस एरिया में नहीं रखनी चाहिए। दूसरा सेक्शन आता है दोस्तों कोटिंग। कोटिंग में कोटिंग मशीन का वैसे आएगा इक्विपमेंट आईडी, उसकी क्लीनिंग एसओपी,
फिर चेक पॉइंट्स है, स्प्रे गन असेंबली को क्लीन हुआ है कि नहीं चेक करना है, इंटरनल एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द विंडो ग्लास, जो विंडो ग्लास है वो चेक करना है आपको, फिर कोटिंग पैन का इंटरनल सरफेस आपको चेक करना है, जो बैफल्स है कोटिंग पैन के वो चेक करने हैं, परफोरेटेड पैन सीव जो होती है वो चेक करनी है, फिर अपर सरफेस ऑफ कोटिंग मशीन, जो पैनल जो मशीन है मशीन का अपर सरफेस आपको चेक करना है, फिर बाद में एसएस गार्ड्स इनर साइड ऑफ कोटिंग मशीन, गार्ड खुल के आपको इन साइड में आपको मशीन के पूरा चेक करना है कि प्रॉपरली क्लीन है कि नहीं है, वहाँ कोई भी प्रीवियस प्रोडक्ट के ट्रेसेस, कलर स्टेन्स कुछ भी नहीं रहना चाहिए। चेक एंड इंश्योर द क्लीनिंग इंटीग्रिटी ऑफ सिलिकॉन ट्यूब, जो स्प्रेइंग में सिलिकॉन ट्यूब यूज करते हो वो इंटैक्ट होनी चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो आप वो सिलिकॉन ट्यूब नई ट्यूब से रिप्लेस करना चाहिए, तभी जाके आप उस प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए लाइन क्लीयरेंस ले सकते हो। चेक एंड इंश्योर द क्लीनिंग ऑफ द पेरिस्टाल्टिक पंप, जो पंप है उसके जो रोलर्स है वो प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए, सराउंडिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल वायर, पैनल, ये सभी आपको साफ कर देना है, साफ किया हुआ है कि नहीं है वो इंश्योर करना है। चेक एंड इंश्योर द टूल किट, जो अनवांटेड डैमेज एसेसरीज, लूज बोर्ड्स, नट्स, वो उस एरिया में नहीं होने चाहिए। जो एसेस एसेसरीज है जैसे कि मग है, स्कूप है, वेसल्स है, पैलेट्स है, वो उनके ऊपर कलर स्टेन कोई भी नहीं होना चाहिए, प्रीवियस प्रोडक्ट का ट्रेसेस नहीं होना चाहिए, पाउडर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, इंश्योर करना है वाइल टेकिंग लाइन क्लियरेंस। लाइन क्लियरेंस लेते समय आपको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए और पूरा ये इंश्योर आपको करना है। नेक्स्ट है दोस्तों कोलाइड मिल, उसके पार्ट्स है दोस्तों जैसे कि इनर साइड ऑफ एंड आउटर साइड ऑफ कोलाइड मिल हॉपर, जो हॉपर है उसका इनसाइड और आउटसाइड से क्लीन होना चाहिए, है कि नहीं है वो आपको चेक करना है, उसका सराउंडिंग इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, पैनल आपको प्रॉपरली क्लीन है कि नहीं इंश्योर करना है, और तभी जाके ये पॉइंट्स यहाँ भर देने हैं, चेक करना है, फिर बाद में क्यूए को बुला के वेरीफाई करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सॉल्यूशन प्रिपरेशन टैंक, उसका आईडी, क्लीनिंग एसओपी उसकी, फिर उसके पार्ट्स है इनर एंड आउटर सरफेस, हॉपर है, रूटर ब्लेड है, और सराउंडिंग इक्विपमेंट यूटिलिटी पेंडेंट, ठीक है, जो टैंक है तो आपको यूटिलिटी लगेगा, यूटिलिटी का पेंडेंट आएगा, वो भी क्लीन होना चाहिए। फिर दोस्तों ग्रैनुलेशन एरिया है, ग्रैनुलेशन में इक्विपमेंट्स है वाइब्रोशिफ्टर, कोन मिल है, सुपर मिल है, ठीक है, फिर बाद में ऑक्टागोनल ब्लेंडर है, आरएमजी है, पेस्ट केटल है, और वैक्यूम ट्रांसफर सिस्टम है, एफबीडी है, ये सभी इक्विपमेंट का हमको चेक पॉइंट्स चेक करना है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आप पूरी चीज़ें समझ पाओगे। तो पहला इक्विपमेंट है दोस्तों वाइब्रो शिफ्टर, यानी कि मैकेनिकल शिफ्टर, वाइब्रेटरी शिफ्टर, उसका आईडी आएगा, क्लीनिंग एसओपी आएगी, उसके पार्ट्स है जो चार्जिंग चूट है, अपर हॉपर है, बाउल है, अपर लीड है, डिचार्ज चूट है, क्लीनिंग एंड इंटीग्रिटी ऑफ विंड फिल्टर है, और गैस्केट है, गैस्केट इंटैक्ट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए प्रॉपर, सराउंडिंग एरिया, इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल वायरिंग, पैनल, ये सभी शिफ्टर का आपको जो जहां पैनल में स्टार्ट स्टॉप बटन होता है, ये सभी चीज़ें आपको लाइन क्लीयरेंस भरने से पहले उनका क्लीनिंग प्रॉपरली हुआ है कि नहीं आपको चेक करना है, फिर जाके भरना है, डॉक्यूमेंट्स फिलअप करना है चेक करने के बाद, और फिर जाके क्यूए को बुलाना है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है दोस्तों कोन मिल के पार्ट्स है चार्जिंग हॉपर है, साइजिंग चेंबर है, रोटार ब्लेड है, डिचार्ज चूट है, वेंट फिल्टर है उसका, ठीक है, उसकी वेंट फिल्टर की इंटीग्रिटी प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है,
फिर बाद में गैस्केट है, गैस्केट प्रॉपरली इंटैक्ट होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। फिर सराउंडिंग एरिया और इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और पैनल, आपको ये सभी चेक करना है। वायरिंग में भी पाउडर रह सकता है तो डिसमेंटल करके ये सभी आपको क्लीन है कि नहीं प्रॉपर चेक करना है, तभी जाके डॉक्यूमेंट्स भरने हैं और फिर लाइन क्लियरेंस लेना है। तीसरा इक्विपमेंट है दोस्तों ग्रैनुलेशन सेक्शन में सुपर मिल, उसका आईडी लिख देना है, क्लीनिंग एसओपी लिख देनी है। उनके चेंज पार्ट्स है दोस्तों, चार्जिंग चूट है, अपर हॉपर है, बाउल है, अपर लीड है, फिर चेक एंड इंश्योर द क्लीनिंग ऑफ द डिचार्ज चूट है, जो डिचार्ज चूट है वो क्लीनिंग हुआ है कि नहीं है वो चेक करना है। जो गैसकेट है उसकी इंटीग्रिटी सही है कि नहीं, प्रॉपरली क्लीन हुआ है कि नहीं, ये सभी आपको चेक करना है। फिर बाद में इक्विपमेंट, सराउंडिंग, इलेक्ट्रिकल पैनल, वायरिंग आपको चेक करना है। सबसे मेन और अहम इक्विपमेंट है दोस्तों आरएमजी, उसका इक्विपमेंट आईडी लिखना है, क्लीनिंग एसओपी लिखना है यहाँ। फिर आरएमजी के जो लीड होता है, लीड का इनर और आउटर सरफेस ऑफ द लीड, फिर उसका गैसकेट आपको चेक करना है। फिर बाद में दोस्तों वेंट फिल्टर है, वेंट फिल्टर असेंबली है, फिल्टर हुआ, उसका स्क्रीन है, गैसकेट है, गैसकेट की इंटीग्रिटी है, ये सभी आपको पॉइंट चेक करने हैं। चेक एंड इंश्योर द क्लीनिंग ऑफ द इनर वॉल एंड बॉटम सरफेस ऑफ आरएमजी बाउल, जो आरएमजी बाउल होता है, इनसाइड से आपको प्रॉपरली हाथ में हैंड ग्लोव्स पहन के प्रॉपरली ऐसे रब करके चेक करना होता है कि उसमें ट्रेसेस तो नहीं है, पाउडर तो चिपका हुआ नहीं है, अकुमुलेट तो नहीं हुआ, इस तरह से। फिर इम्पेलर के ब्लेड आ गई, इम्पेलर को लाइन क्लियरेंस लेने से पहले खोल के चेक करना चाहिए कि वहाँ पाउडर तो नहीं है। चॉपर का भी ब्लेड खोल के चेक करना चाहिए। बहुत जगह क्या होता है, अगर कैंपेन बैचेज चलता है तो वहाँ पाउडर अकुमुलेट होके ब्लैक पार्टिकल जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर क्लीनिंग और प्रॉपर इंश्योर करना बहुत ही जरूरी है। अगर को मिल है, वेट मिलिंग में यूज करते हैं तो उसके स्क्रीन है, ब्लेड असेंबली है, तो ये प्रॉपरली आपको चेक करना होता है बिफोर टेकिंग लाइन क्लियरेंस फॉर नेक्स्ट प्रोडक्ट। जो आरएमजी का प्लेटफॉर्म है, जो लैडर है, लैडर यानी कि सीढ़ी जो आरएमजी के प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ने के लिए जो यूज करते हैं, ये सभी पार्ट्स आपको चेक करना है। और जो पेरिस्टाल्टिक पंप यूज होता है, उसका सिलिकॉन ट्यूब होती है, वो भी प्रॉपरली इंटैक्ट होनी चाहिए, टॉर्न नहीं होनी चाहिए, फटी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें लीकेज है तो आपको वो सिलिकॉन ट्यूब चेंज करके नई ट्यूब लेनी चाहिए। दूसरे पॉइंट है दोस्तों इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, पैनल, फिर बाद में कलर स्टेन, जैसे कि एसएस के जो एसेसरीज है, मग हो गया, स्कूप हो गया, वेसल्स हो गई, पैलेट्स हो गए, इनके ऊपर कोई भी प्रीवियस प्रोडक्ट का ट्रेसेस या कुछ भी कलर स्टेन, प्रीवियस प्रोडक्ट का पाउडर नहीं होना चाहिए। ये सभी हमको चेक करने का मेन मोटो है दोस्तों कि प्रीवियस प्रोडक्ट का कोई भी कैरी ओवर नेक्स्ट प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए, कलर हो, पाउडर हो, ट्रेसेस हो, नेक्स्ट प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हमको ये सभी चेक पॉइंट्स प्रॉपरली चेक करने हैं। फिर बाद में आता है जो टूल किट है, जैसे कि स्पैनर्स हुआ, एलेंकी हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये सभी चीज़ें ओपन नहीं रखनी है और इनको क्लीन करके टूल बॉक्स में रख देना है। और टूल बॉक्स भी आपको एरिया के बाहर हटा देना है, या उसी एरिया में टूल बॉक्स अगर आप रख रहे हो तो लॉक एंड की में वो टूल बॉक्स होना चाहिए। अगला इक्विपमेंट है दोस्तों एफबीडी, एफबीपी, उनकी आईडी आएगी, क्लीनिंग एसओपी आएगी। उनके जो चेक पॉइंट्स है दोस्तों इनर सरफेस, जो एफबीडी का इनर सरफेस, आउटर सरफेस, डच मेस, बाउल का सैम्पलिंग पोर्ट है, विंडो ग्लास है, विंडो ग्लास में भी पाउडर अकुमुलेट हो सकता है, इसलिए आपको विंडो ग्लास भी क्लीनिंग के टाइम पे ओपन करनी चाहिए, खोल लेनी चाहिए उसको और खोल के क्लीन करनी चाहिए, तभी जाके चेक करने के बाद इंस्टॉल करनी चाहिए। फिर इंटीग्रिटी ऑफ वेंट फिल्टर, प्रोडक्ट कंटेनर, सीलिंग गैसकेट, जो प्रोडक्ट कंटेनर का सीलिंग गैसकेट है वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी सही होनी चाहिए। फिर आता है दोस्तों जो सभी सेंसर्स है प्रॉपरली फिटेड होनी चाहिए इक्विपमेंट में। और नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अपर प्लिनम और विंडो ग्लास,
जो विंडो ग्लास है वो भी आपको प्रॉपरली क्लीन करनी चाहिए, सैम्पलिंग पोर्ट प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, वेंट फिल्टर प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। फिर बाद में आता है डिचार्ज चूट है, डिचार्ज पोर्ट जो है वो भी प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए जो लोअर प्लेनम का होता है। फिर बाद में है जो सस्पेंशन रिंग यानी कि फिंगर बैग जिसमें इंस्टॉल होती है वो सस्पेंशन रिंग या केवलार रोप बोलते हैं, या बहुत जगह अगर हाइड्रोलिक पे काम करता है तो वो वहाँ SS का शाफ्ट होता है उसकी भी क्लीनिंग प्रॉपरली होनी चाहिए और आपको वो इंश्योर करना है। लोअर प्लेनम, बटरफ्लाई वॉल, ये सभी आपको पॉइंट क्लीन करके चेक करने होते हैं बिफोर टेकिंग अ लाइन क्लीयरेंस फॉर अ नेक्स्ट प्रोडक्ट। स्प्रे गन पोर्ट, स्प्रे गन पूरी ओपन कर देनी चाहिए, डिसमेंटल कर देना चाहिए, नोजल ओपन करके वहाँ से निडल निकाल करके उसको वॉश कर देना चाहिए और वॉश करके लाइन क्लीयरेंस करते समय उसको पूरा चेक करके इंश्योर करके ही आपको डॉक्यूमेंट्स फिल कर देने चाहिए। जो सॉल्यूशन प्रिपरेशन टैंक होता है वो भी आपको प्रॉपरली क्लीन करके चेक करना है और पंप चेक करना है। फिर बाद में आपको जो सिलिकॉन ट्यूब जो पेरिस्टाल्टिक पंप में यूज होती है वो पेरिस्टाल्टिक पंप की सिलिकॉन ट्यूब प्रॉपरली क्लीन है कि नहीं वो चेक करना है, इंटैक्ट है कि नहीं चेक करना है। अगर उसमें प्रीवियस प्रोडक्ट है तो आपको वो सिलिकॉन ट्यूब चेंज कर देनी चाहिए, नई सिलिकॉन ट्यूब इशू करके उस प्रोडक्ट में लाइन क्लीयरेंस के समय इशू कर देनी चाहिए। फिर आता है पॉइंट जो सराउंडिंग इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग पैनल है। अगला इक्विपमेंट है दोस्तों ऑक्टेगोनल ब्लेंडर, उसका आईडी यहाँ आएगा, क्लीनिंग की SOP आएगी। फिर उसके पार्ट्स है आउटर और इनर सरफेस ऑफ द कॉर्नर ऑफ द ऑक्टेगोनल ब्लेंडर, अंदर से बाहर से क्लीन है कि नहीं चेक करना है। बटरफ्लाई वॉल आ गया डिचार्ज चूट का, बटरफ्लाई वॉल में पाउडर रहने के चांसेस होते हैं तो इसलिए आपको बटरफ्लाई वॉल को ओपन क्लोज करके दो तीन बार चेक करना चाहिए कि उसमें कोई पाउडर के ट्रेसेस नहीं है या कलर स्टेन नहीं है, उसका गैस्केट भी प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। जो चार्जिंग लीड होती है वहाँ गैस्केट लगता है वो भी गैस्केट इंटैक्ट होना चाहिए, टुकड़े नहीं होने चाहिए उसके, या बहुत जगह क्या होता है कि गैस्केट बहुत पुरानी होती है तो वो उसके पीसेस पीसेस छोटे छोटे निकल के आपके प्रोडक्ट में जाने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए वो जो गैस्केट है इंटैक्ट होनी चाहिए, पूरी की पूरी इंटैक्ट होनी चाहिए और क्लीन प्रॉपरली होनी चाहिए। जो एबीडी के बैफल्स है वो भी आपको प्रॉपरली चेक करने हैं क्लीन है या नहीं है। जो बैफल्स के दोनों साइड पे बोल्ट होते हैं उसमें भी पाउडर रहने का डर रहता है, तो इसलिए आपको प्रॉपरली बैफल्स और बैफल्स के बोल्ट चेक करने चाहिए। नेक्स्ट इक्विपमेंट है दोस्तों पेस्ट केटल, पेस्ट केटल का यहाँ आईडी आएगा, इक्विपमेंट आईडी, क्लीनिंग SOP आएगी। फिर इनर और आउटर सरफेस उसका साफ है कि नहीं आपको चेक करना है। फिर जो स्टिरर रॉड है या ब्लेड है उनको चेक करना है। पेस्ट केटल का लीड आ गया उसको चेक करना है। फिर पेस्ट केटल का आर्क होता है उसको चेक एंड इंश्योर द क्लीनिंग करनी है। फिर बाद में जो टर्निंग हैंडल होता है जो पेस्ट केटल को घुमाने में जैसे अनलोडिंग करना है उस टाइम पे मैन्युअली रोटेट करने के लिए जो टर्निंग हैंडल होता है उसको भी आपको प्रॉपरली क्लीन है कि नहीं है वो चेक करना है। कलर के स्टेन्स, प्रीवियस प्रोडक्ट का पाउडर या पेस्ट केटल का या पेस्ट का समझ लो कुछ पार्ट्स उसमें रह गया हो, ये सभी आपको प्रॉपरली चेक करके इंश्योर करना है और तभी जाके लाइन क्लीयरेंस का ये जो फॉर्मेट है वो आपको भर देना है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है दोस्तों मल्टी मील, उसमें उसकी यहाँ आईडी आएगी, क्लीनिंग SOP आएगी, उनके चेक पॉइंट्स है, चार्जिंग चूट हुआ जो अपर होता है, अपर हो गया, बाउल हो गया, ब्लेड हो गई, उसमें कटर ब्लेड और जो स्क्रैपर की जो कलेक्शन वाली ब्लेड होती है वो ब्लेड प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए, उसका शाफ्ट प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, उसके साइड से ऊपर का जो कवर ब्लेड जहाँ से शाफ्ट अंदर आता है वहाँ भी शाफ्ट के साइड से पाउडर अकुमुलेट रहता है तो वो भी आपको वहाँ प्रॉपरली क्लीन कर देना है और इंश्योर करना है। डिचार्ज चूट हो गया, फिर जो गैस्केट यूज होता है वो भी प्रॉपरली क्लीन और इंटैक्ट होना चाहिए, अगर गैस्केट खराब है तो आपको रिप्लेस कर देनी चाहिए और तभी लाइन क्लीयरेंस भर देना चाहिए। लास्ट इक्विपमेंट है दोस्तों वैक्यूम ट्रांसफर सिस्टम।
वैक्यूम ट्रांसफर सिस्टम यानी कि VTS बोलते हैं, बहुत जगह बहुत सारी कंपनी में ये होता है, कहीं नहीं होता है। तो ये क्लोज कंडीशन में पाउडर सक्शन पाउडर ट्रांसफर के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके चेक पॉइंट्स है दोस्तों, जो पिकअप SS बैंड होती है वो SS बैंड क्लीन होनी चाहिए, बटरफ्लाई वॉल होना चाहिए वो क्लीन, फिर बाउल होता है वो होना चाहिए, तो इसके जो फिल्टर्स है वो क्लीन होने चाहिए, इंटैक्ट होनी चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी फेल नहीं होनी चाहिए। अगर इंटीग्रिटी फेल है तो वहाँ से पाउडर लीकेज या पाउडर लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है। जो होस पाइप यूज़ हो रहे वो क्लीन होने चाहिए, खास करके जो होस पाइप होते हैं वो डेडिकेटेड होना चाहिए। डेडिकेटेड रहेंगे तो उसी सेम प्रोडक्ट में लेने में आपको जो क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस है वो यहाँ मिनिमाइज होते हैं। इसलिए होस पाइप जो यूज़ कर रहे हैं वो प्रोडक्ट डेडिकेटेड होना चाहिए और वो प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए, और जो गैस्केट है वो इंटैक्ट होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, और इक्विपमेंट का सराउंडिंग इलेक्ट्रिकल पैनल वायरिंग आपको लाइन गेंस लेने से पहले प्रॉपरली चेक करना है, इंश्योर करना है, तभी जाके आपको ये डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, प्रॉपरली फिलअप करने हैं, तब जाके किवे को बुलाना है, किवे आके वेरीफाई करेगा और आपको उस एरिया का लाइन गेंस वो साइन करेगा। अगर इनमें से ये जो चेक पॉइंट्स है इनमें आपने प्रॉपरली चेक नहीं किया, फिल कर दिया, किवे को बुलाया और उसको कोई ऑब्जर्वेशन नॉन कन्फॉर्मिटी मिलती है तो वो आपको आपका वो एरिया वहीं रोक देगा, आपको लाइन क्लियरेंस अलाउ नहीं करेगा। तब आपको उस केसेस में इंसिडेंट या डेविएशन आपको लेना पड़ सकता है और जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों आप ये जो भर रहे हो उसको ध्यान से केयर से भरना चाहिए, केयर से चेक करना चाहिए और चेक करने के बाद ही भरना चाहिए और लाइन क्लियरेंस के लिए QA को बुलाना चाहिए। तो दोस्तों ये था इक्विपमेंट्स के जो चेक पॉइंट्स है वाइल टेकिंग अ लाइन क्लियरेंस, तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ कवर किए हैं। आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल होगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, यही वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए उस टॉपिक का नाम आप कमेंट्स कर देना। जय हिंद, जय भारत।